लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाडली बहना योजना की राशि का इंतजार कर रही लाडली बहनों का इंतजार इस बार सरकार जल्द खत्म करने जा रही है। इस बार राज्य सरकार इस योजना की 11वीं किस्त का पैसा 10 अप्रैल की जगह 5 अप्रैल को ही डालने जा रही है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि शुरू होने जा रही है, इसको देखते हुए यह राशि समय से जारी की जाए। लाडली बहना योजना के तहत आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों को 1,250 रुपए महीने देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा त्योहार को देखते हुए इस बार लाडली बहना योजना की 11वीं किस्त की राशि 10 अप्रैल के स्थान पर 5 अप्रैल को ही जारी कर दी जाएगी। इस योजना के तहत लाडली बहनों के खातों में 1,250 रुपए भेजी जाएगी। आपको बता दूं, इससे पहले सरकार ने होली और रक्षाबंधन के समय से पहले ही किस्त जारी कर चुकी है। होली को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना की 10वीं किस्त 10 मार्च के स्थान पर 1 मार्च को जारी कर दी थी और अब 1,250 रुपए की किस्त महिलाओं के खातों में 10 अप्रैल की जगह 5 अप्रैल को ही आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, देखिए अब की बार किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको बता दूं, इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। जो बहनें इनकम टैक्स के दायरे में आती है उनको इस किस्त का फायदा नहीं मिलेगा, और अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी लग गया है तो उस परिवार को भी इस किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। और नियम तो ये भी कहता है कि घर में ट्रैक्टर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा लाडली बहना योजना की शुरुआत पिछली सरकार ने चुनाव से पहले मई 2023 में शुरू की थी, जिसमें 21 से लेकर 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए देने का फैसला किया था। जून में इसकी पहली किस्त जारी की गई थी, इसके बाद राखी पर इस योजना की राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया था। अब आने वाले समय में यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन आप जो वीडियो देखते हैं कि अब की बार 3,000 रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 5 अप्रैल को आपके खातों में 1,250 रुपए की किस्त आ जाएगी और आप इसे आसानी से चेक भी कर सकते हैं। जिन महिलाओं ने मोबाइल नंबर दे रखे हैं तो उनके मोबाइल पर तो सीधा मैसेज आ जाएगा, या फिर मैसेज नहीं आता है तो आप किसी जानकार व्यक्ति से 11वीं किस्त का स्टेटस आसानी से पता लगा सकती है। बड़ी खबर यह है, चैत्र नवरात्रि से पहले 5 अप्रैल को महिलाओं के खातों में, और मैं मध्य प्रदेश की यहां पर बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की बहनों के खातों में 1,250 रुपए की किस्त आनी शुरू हो जाएगी।